नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1000 ब्रॉयलर चिक्स को पालने में कितना खर्चा आता है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उसके लिए दाना खरीद करके खुलाने में कितना खर्चा आएगा। टोटल खर्चा आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चिक्स को खरीदने के बारे में। जब आप इस चिक्स को खरीदोगे तो इसका रेट मैं आपको बता देता हूँ। इसका रेट हर हफ्ते चेंज होता रहता है, मतलब मार्केट के हिसाब से ये रेट घटता या बढ़ता है। तो आपको ये रेट 25 से 30 रुपए के आसपास पड़ेगा, और अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये आपको ज़्यादा सस्ता भी मिल सकता है, जैसे कि 15 रुपए या 11 रुपए का भी मिल सकता है। ऐसा तभी होता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, तो आपकी किस्मत है कि आपको ये इतना सस्ता भी मिल सकता है। तो उसके बाद जब आपको ये, मैं मान लेता हूँ कि आपको 30 रुपए का चिक्स मिला, तो आपका टोटल खर्च हो गया चिक्स को ख़रीदने में 30,000 रुपए का। और बाद में जब आप इसको दाना खिलाओगे, मतलब फीड खिलाओगे, तो ये 3 किलो फीड पर 2 किलो वेट गेन कर लेता है। तो आपको 3 किलो फीड के हिसाब से 60 बैग, मतलब 60 बैग्स खुलाने होंगे फीड के। तो उसका खर्चा मैं आपको बता देता हूँ, आपका उस पर लगभग 1 लाख रुपए के आसपास खर्चा आ जाएगा। मैं फीड का भी रेट एवरेजली जोड़ रहा हूँ, 50 kg बैग का 1650 रुपए, इतने के आसपास ही इसके फीड का रेट रहता है। तो जब आप इसको फीड खिला करके रेडी कर दोगे तो टोटल खर्च आपका मेडिसिन और बिजली का खर्च ये सब मिला करके 1,30,000 के आसपास रहेगा। और डिपेंड करता है कि आप उसको कौन सा फीड खिलाते हो, क्या पता आपके एरिया में इससे ज़्यादा सस्ता फीड मिलता हो, या फिर आप अपना फीड बना करके खिला रहे हो तो वो आपको और ज़्यादा सस्ता मिल जाएगा। मैंने देखा है काफ़ी सारे पोल्ट्री फार्मर ऐसे रहते हैं, वो मिल करके एक फीड मिल लगा लेते हैं और अपना फीड तैयार करके अपने पोल्ट्री फार्म में इस्तेमाल करते हैं। तो आप इस तरह का भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारे फार्मर एक साथ होना ज़रूरी है। तो अगर आप मार्केट से फीड खरीदोगे तो आपको मार्केट में काफ़ी सारे तरह के फीड मिल जाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है फीड का जो FCR है वो 1.5 के आसपास ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा FCR होगा तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, मतलब आपका मुर्गा लगभग 3.5 किलो फीड खा करके 2 किलो का वेट गेन करेगा, तो उसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप फीड डीलर के पास जाकर के कहिए कि हमें 1.5 FCR का फीड चाहिए, तो वो आपको इस क्वालिटी का फीड प्रोवाइड करा देगा। लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आपको फीड के रेट्स का भी ध्यान रखना है। आप ऐसा मत करिए कि एक ही फीड डीलर के पास जाइए, आप अपने एरिया के काफ़ी सारे फीड डीलर रहते हैं हर एरिया में, तो उनके पास भी जाइए और टोटल सभी का रेट्स पता करिए। जो फीड आपको अच्छा लगे वो फीड आप अपने फार्म में इस्तेमाल करिए। और एक बात का और ध्यान रखें, कोशिश करें दूसरे फार्म पर भी विज़िट करके देखें पहले कि जो फीड वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि फीड्स की FCR कितनी है और कैसी उसकी क्वालिटी है। तो ये टोटल खर्च जो हुआ 1000 चिक्स को पालने में आपका 1,30,000 रुपये। और इसके अलावा जो खर्च आपका फार्म बनाने में होगा वो अलग होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो चाहिए उसके ऊपर भी, तो मैं फार्म बनाने के बारे में भी वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा। और अब मैं आपको इसका सेलिंग का प्रोसेस बता देता हूँ कि इसको बेचा कैसे जाता है। काफ़ी सारे फार्मर इस चीज़ में परेशान रहते हैं कि इस मुर्गे को बेचे कैसे। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो भी आपके एरिया में फीड डीलर होगा, जिससे भी आप फीड खरीदोगे, वही फीड डीलर इसको सेल भी करा देगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 5000 या 2000 मुर्गे को भी पालते हो अपने फार्म में, तो वो भी आप एक ही दिन में सेल आउट कर सकते हो। आपको इसको बेचने में कोई परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन ध्यान आपको इसकी मार्केट का रखना है। इसकी मार्केट डेली चेंज होती है, तो प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड रहता है। तो आप कोशिश करिए सस्ते से सस्ता और अच्छी क्वालिटी का फीड इस्तेमाल करिए। जितना कम रेट आपके फीड का होगा उतना ही आपको इसमें प्रॉफिट होगा। और नुकसान भी हो जाता है काफ़ी सारे फार्मर्स को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा फीड खरीद लेते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो जाता है कि मार्केट कम मिलती है और उनको फिर फ़ायदा नहीं होता। तो आपको फीड का ज़रूर ध्यान रखना है। मार्केट का मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी डेली मार्केट रहती है, जिस एरिया में भी आप रहते होंगे वहाँ की अलग मार्केट रहती है, तो वो आपको पता चल जाएगा। और डेली रेट्स भी आते हैं यूट्यूब पर, आप वो भी देख सकते हो। तो आपका एरिया जो भी है वो आप देख सकते हो उसमें कि आपके एरिया के हिसाब से क्या रेट है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले इसके फीड के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके एरिया में जो भी फीड डीलर हैं उनके पास जाइए और पता कीजिए कि कौन कौन से फीड रखते हैं वो,
जितने भी फीड डीलर हैं आपके एरिया में, उनसे ये भी मालूम कीजिए कि आपके जो फीड हैं उनके रेट्स क्या क्या हैं, क्योंकि जब आप सभी फीड डीलर के पास जाओगे तो आपको सभी फीड्स के बारे में जानकारी भी मिलेगी और उससे आपको रेट्स का भी पता चल जाएगा कि कौन सा फीड डीलर कितने रेट पर फीड बेच रहा है। तो आप जो फीड डीलर आपको सही रेट पर फीड दे रहा है उस फीड डीलर से आप फीड खरीद सकते हो। लेकिन इसको बेचने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, और अगर आपको इसके बारे में ट्रेनिंग भी लेनी है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि इसकी ट्रेनिंग आप कहां से ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके अलावा कोई भी जानकारी चाहिए या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और उसमें मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो आप ऐसा ना सोचें कि मैं आपका कमेंट नहीं पढ़ पाया। मैं कोशिश करता हूँ उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और हमारे चैनल का नाम ज़रूर ध्यान रखें, पोल्ट्री गुरुजी। इस चैनल पर आपको पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिल जाया करेगी। हमारे इस चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप वो वीडियोज़ भी जा करके देख सकते हो। धन्यवाद।